शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शीतपेय में बेहोशी की दवा मिलाकर विवाहिता से दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रकरण दर्ज कर बड़ी पुलिस ने आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार किया है। सोमवार को अदालत ने आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पीड़ित 30 वर्षीय विवाहिता दक्षिण नागपुर क्षेत्र निवासी है। आरोपी ठेकेदार शोएब शब्बीर शेख महादुला निवासी बताया जा रहा है। कॉलेज में दोनों साथ पढ़ते थे, उनमें पहचान है। एक बार अचानक पीड़िता और शोएब की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में पीड़िता ने उसे अपना मोबाइल नंबर दिया था। इसके बाद शोएब उसे मिलने के लिए बुलाने लगा। इनकार करने पर शोएब ने पीड़िता को धमकी दी कि कॉलेज में उसके साथ प्रेम संबंध होने की जानकारी वह उसके पति को दे देगा। इससे डरी पीड़िता 31 जुलाई को शोएब से मिलने बरडी गई। शोएब उसे बरडी स्थित एक होटल में ले गया। वहां शीतपेय में बेहोशी की दवा मिलाकर पीड़िता को पिला दी और उसके साथ दुष्कर्म किया। 2 घंटे बाद जब पीड़िता को होश आया तो उसने शोएब को खरी खोटी सुनाई। 2 दिन पहले पीड़िता जब बर्डी में खरीदारी करने गई तब फिर शोएब उसे होटल में ले गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। घर जाने के बाद पीड़िता ने घटना के बारे में पति को बताया। रविवार को पति के साथ थाने में जाकर शोएब के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया है। देर रात पुलिस ने शोएब को गिरफ्तार किया है। सोमवार को अदालत में पेश करने के बाद अदालत ने शोएब को 12 अगस्त तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। दिनांक 9/8/2020 रोजी पीड़ितचे तक्रार घेऊन पोलीस स्टेशन सीताबर्डी येथे अपराध नंबर 341 सेक्शन 328 376 504 506 IPC प्रमाणे गुन्हा नोंद आहे। गुन्ह्यातील आरोपी त्याच दिवशी अटक करण्यात आलेली आहे व तो सध्या PCR मध्ये आहे। गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे। नाही, आमच्याकडे आरोपीवर कुठलाही गुन्हा दाखल नाही। यापूर्वी 2014 पोलीस स्टेशन कोराडी म्हणजे पीडित आणि आरोपी दिसम हे आमच्या हद्दीत राहणारे नाहीत। घटनास्थळ फक्त आमच्याकडेच आहे हॉटेलमधलं। वीरेंद्र खोब्रागडे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इन BCN न्यूज नागपूर।